Hello everyone. In this video, we will discuss about the binary search tree example. Last video में मैंने basic property of binary search tree का advantage क्या है, binary search tree की time complexity क्या है, binary search tree का drawback क्या है, ये सब कुछ मैंने बता चुका हूँ. So यदि आपने previous video नहीं देखा है तो please watch my previous video. Then उसके बाद में आप इस video पे move करें. Now example is, let us assume हमारे पास में कुछ alphabets हैं, कुछ elements हैं. The element is H, I, J, K, A, M, B, D, F. Like, ये elements हैं. और the question is, insert the following elements into the binary search tree. Now, जब मैं binary search tree में insertion perform करूंगा, तो step by step, university exam में आप कैसे लिखेंगे, so उसके according में आपको बताता हूँ. तो first element, जो भी मेरी array given है, उसका फर्स्ट एलिमेंट मेरा ऑलवेज रूट नोड बनेगा. तो एच बिकम द रूट नोड. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी एक बार फिर से आपको मैं बता दूं. यदि रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में इंसर्ट करते हैं, यदि रूट नोड से एलिमेंट आपका बड़ा है तो राइट में आप इंसर्ट करते हैं. ठीक है, यदि इक्वल वाली कंडीशन आ जाती है तो आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं. कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग राइट में ही इंसर्ट किया जा सकता है, कुछ के अकॉर्डिंग लेफ्ट में ही किया जा सकता है. बट मैं स्टैंडर्ड बुक कॉर्मेन को फॉलो कर रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप दोनों साइड में लेफ्ट में भी और राइट में भी यदि इक्वल की कंडीशन बनती है तो इंसर्ट कट किया जा सकता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज आई. इंसर्ट आई, जब मैं आई को इंसर्ट करूंगा तो मुझे आई को एच से कंपेयर करना पड़ेगा. सो आई इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एच. सो ग्रेटर है तो आई बिकम द राइट चाइल्ड ऑफ एच. तो आई कहां पे आ जाएगा, राइट साइड में एच के. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज जे. जे को फिर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट जे. तो मेरे पास में आई ऑलरेडी है, सॉरी एच ऑलरेडी है, दिस इज अ एच रूट नोड. आई मेरे पास में ऑलरेडी है. नेक्स्ट एलिमेंट इज जे. तो जे इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एच एंड आई. ऑलवेज कंपैरिजन, हम जब भी इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, सर्चिंग करेंगे, तो जो भी कंपैरिजन होगा वो रूट नोड से स्टार्ट होगा. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एलिमेंट इज फोर्थ स्टेप, इंसर्ट के. मुझे के को इंसर्ट करना है तो के को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये प्रीवियस जो एलिमेंट्स है मेरे एच आई जे, इनको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं. नाउ के को कंपेयर करता हूं तो एच से ग्रेटर, आई से ग्रेटर, जे से भी ग्रेटर है. तो के कहां पे आ जाएगा, आपका राइट चाइल्ड बन जाएगा किसका, जे का. नाउ यदि आप देखें तो अभी एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं. ठीक है, यदि मेरे पास में चार ही एलिमेंट होते और इन चार एलिमेंट्स को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना होता और इस पर्टिकुलर केस में यदि मुझे के को सर्च करना होता तो कंपैरिजन कितने लग जाते, 1 2 3 4, टोटल 4 कंपैरिजन लग जाते. इट मींस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन मुझे लग जाते. तो दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, बट ये इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि अभी हमारे पास में और भी एलिमेंट्स हैं तो मे बी आपके लेफ्ट साइड में भी आ जाए. तो इस तरह की सिचुएशन जो बनती है दिस इज कॉल्ड द राइट स्क्यूड ट्री. और यदि लेफ्ट हैंड साइड में ही सारे एलिमेंट होते तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट स्क्यूड ट्री. नाउ इंसर्ट ए. ए को मुझे इंसर्ट करना है तो स्टेप नंबर 5. सो ऑलरेडी मेरे पास में ये एलिमेंट्स हैं तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं. H है मेरे पास में, I है मेरे पास में, J है मेरे पास में और K है मेरे पास में. तो ये एलिमेंट्स मैंने एज इट इज कॉपी कर दिए. नाउ A को इंसर्ट करना है, H से कंपेयर किया तो A इज लेस एज कंपेयर टू H. तो A कहां पे आ गया, आपका लेफ्ट चाइल्ड बन गया किसका, रूट नोट H का. नाउ इंसर्ट नेक्स्ट एलिमेंट. तो नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करें, देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में या गेट एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि आप देखें तो इस बाइनरी सर्च ट्री में जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिकल लिए हैं, आपको डिजिट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से भी हो सकते हैं. आपको कोई पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन भी दिया जा सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको दिया जा सकता है राम, रहीम, अशोक, ये इस तरह से भी हो सकता है. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद में यदि अपन बात करें तो मंथ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है. तो यदि वो मंथ के अकॉर्डिंग चाहे तो मंथ के अकॉर्डिंग आप इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या अल्फा मंथ के अकॉर्डिंग नहीं दिया है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी आप इंसर्शन और डिलीशन या सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं. तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, किसी भी टाइप से डेटा आपका हो सकता है. नाउ इंसर्ट एम. मुझे एम को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मैं अपनी ट्री को ड्रॉ कर लेता हूं. मेरे पास में एच ऑलरेडी है, आई ऑलरेडी है,
एच ऑलरेडी है, के भी मेरे पास में यहाँ पे है और ए भी मेरे पास में है। अब मुझे किसको इंसर्ट करना है, एम को इंसर्ट करना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, एस से कंपेयर करूंगा, एस से ग्रेटर, आई से ग्रेटर, जे से ग्रेटर, के से भी ग्रेटर, तो एम कहां पे आ जाएगा, यहां पर। ठीक, नाउ इंसर्ट बी। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर हो गया मेरा 6। नाउ मुझे बी को इंसर्ट करना है, तो इसी स्टेप में मैं इंसर्ट कर रहा हूं बी को भी, तो 6-7 स्टेप मेरा सेम हो जाएगा। तो इंसर्ट बी, तो बी कहां पे आ जाएगा, एस से छोटा है बट ए से ग्रेटर है, तो बी बिकम द राइट चाइल्ड ऑफ ए। नाउ इंसर्ट डी, डी को इंसर्ट करना है, एच से छोटा है, ए से ग्रेटर है, बी से भी ग्रेटर है, तो बी कहां, डी कहां पे आ जाएगा, बी के राइट चाइल्ड में। नाउ एफ, इंसर्ट एफ, तो एच से छोटा, ए से बड़ा, बी से बड़ा, डी से भी बड़ा, तो एफ कहां पे आ जाएगा मेरा, यहां पर, तो एफ मेरा बन गया ये चाइल्ड। तो ये जो स्टेप्स है मैंने सारे स्टेप्स यहीं पे एक ही स्टेप में पूरा फिल कर दिया है। नाउ यदि और भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूं, लेट सपोज मैं आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट सी, ठीक है, तो एच से छोटा, ए से बड़ा, बी से भी बड़ा बट डी से छोटा, तो सी बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डी, तो सी कहां पे आ जाएगा, यहां पर। फॉर एग्जांपल और एलिमेंट ले लेते हैं लाइक एल, आई वांट टू इंसर्ट एल, तो एच से बड़ा, आई से बड़ा, जे से बड़ा, के से भी बड़ा, ठीक है, बट एम से छोटा, तो L क्या हो जाएगा, L M N O P, तो K से बड़ा, M से छोटा, तो L become the left child of L, L become the left child of M। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट को ट्री के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। बट यदि आप इस पर्टिकुलर केस में यदि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम x equals to d, मुझे सर्च करना है, ठीक है, सर्च d, तो डी को सर्च करने में अब आपको सारे एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, यदि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो, अदरवाइज यदि दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल दिस, तो वर्स्ट केस बनेगा, बट यदि दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो एवरेज केस बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि मुझे डी को सर्च करना है, तो डी इज लेस एज कम्पेयर टू एच, तो ये जितने भी राइट स्क्यूड मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट से मुझे कोई भी मतलब नहीं। अब मैं D को सर्च करने के लिए लेफ्ट सबट्री में जाऊंगा, यहां चेक करूंगा, यहां चेक करूंगा, यहां चेक करूंगा, और फाइनली मुझे ये D यहां पर मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगे, 4। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कह सकते हैं, द एवरेज केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज log n, बट वर्स्ट केस इज द ऑर्डर ऑफ n। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डिलीशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। थैंक यू सो मच।